नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में करवाया गया लावण्य फैशन शो। दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। बरनाला में श्री ब्राह्मण सभा द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और अब हलचल विस्तार से। एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन विभाग द्वारा उच्च स्तर पर फैशन शो लावण्य का आयोजन किया गया। इस शो में डिजाइनर्स, मॉडल्स, एंकर्स, फैशन मेकओवर आर्टिस्ट की रचनात्मकता ने खूब समा बांधा। शो लावण्य में मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स मेडिसिन एवं फिजियोथेरेपी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता शिनॉय, संधु वसावी इंटरनेशनल से मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुल वर्मा उपस्थित रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नीरजा ढिंगरा ने सभी गणमान्यों का अभिनंदन किया। डॉक्टर नीरजा ने फैशन शो के निर्णायक वृंद, रिलायंस रिटेल बेंगलुरु के डिजाइन हेड जगदीप शौकीन, लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु की कॉन्टैक्ट डिजाइन हेड स्मिता शर्मा एवं एपीजे की एलुमनाई हॉल ही में 2022 में मिसेज इंडिया बनी वन इन मिलियन आयुषी जैन का भी स्वागत किया। इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित फुकरे, छिछोरे, फुकरे रिटर्न्स जैसी सफल फिल्मों के निदेशक कुंवर राज के आगमन पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस फैशन शो में मांझी छाप छाप राउंड में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों, वेदों की रचाओं की पवित्रता को डिजाइनर्स ने बनाए हुए परिधानों के माध्यम से दिखाया। फैशन शो लावण्य में बेस्ट डिजाइनर्स का सम्मान अप्रैल शावर को दिया गया, जिसको गंगा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल से सुगंधा एवं डॉक्टर पीयूष शर्मा ने स्पॉन्सर किया था। प्राचार्य डॉक्टर नीरजा ढिंगरा ने लावण्य फैशन शो की अपार सफलता के लिए डीन फंक्शन डॉक्टर मनीषा शर्मा, मोनिका आनंद, डिजाइन विभाग के अध्यक्ष रजनी गुप्ता एवं रजनी कुमार के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। वेरी गुड इवनिंग। आज एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में लावण्य आयोजित किया गया है। इट इज ए डिजाइनर्स शो and I would like to tell you that it has 9 rounds और इन rounds में खादी से लेकर modern night wears, child wear and there are many rounds which will be covered और ये सारी in-house production की गई है by the design students but लावण्य overall जो है उसमें design department और उसमें interior design, fashion makeover, multimedia and many departments are involved in this and this is a you know our signature event which is very much long awaited post corona it is going to be held for the first time and we are going to rock for that thank you so much for the lovely introduction. I would also like to thank the APJ College management. It's actually an honor to be here and after such a long career to give it back to the students. Extremely nostalgic today. Well, first of all, I would like to thank APJ College, Neerja ma'am and the faculty for having me here. I'm extremely honored and privileged to be a part of this event. And I'm extremely nostalgic too because Lavanya was the first step towards the dream that I saw as a child. So it laid the pathway for me to become what I am today.
the practice sessions, the grilling, the training that we got in Lavanya helped me 15 years later on the Mrs. India platform. The moment I stepped on the stage of Mrs. India, the memories of Lavanya came flooding back. And I'm pretty sure that today's function will be even more glamorous and even more wonderful than it was 15 years back. ब्राह्मण सभा द्वारा भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव बरनाला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में पहले हवन एवं पूजा की गई, जिसके बाद श्री राम अवतार की झांकियों को दर्शाते हुए एक विशाल शोभा यात्रा अलग अलग बाजारों में से निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम जी की उपासना करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु के सभी अवतार समाज की त्रुटियों और दुष्टों का नाश करने वाले एवं समाज के सभी वर्गों में समानता और प्रेम भावना को जगाने वाले हैं। इस मौके पर श्री ब्राह्मण सभा के चेयरमैन अनिल दत्त शर्मा, अध्यक्ष राहुल बाली, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अर्चित पुरोहित आचार्य श्रीनिवास, जिला अध्यक्ष यशपाल शर्मा, बजरंग दल के नीलमणि समाधिया, विपिन धरनी, संपूर्ण शर्मा सहित असंख्य लोग मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भगवान परशुराम सभी देवताओं के देव और पूरे भारत और पूरे विश्व के वो मतलब जन्म देने वाले देवता हैं और हम उनके वंशज हैं। भगवान परशुराम जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, आज उनका मतलब जन्मोत्सव या जब वो प्रकट हुए थे वो मना रहे हैं। तो सभी हिंदू समाज, खासकर ब्राह्मण समाज जिसके हम वंशज हैं, वो आज पूरे बरनाला में इस हर्षोल्लास से भगवा यात्रा, ये पहले हवन या गुआ मंदिर में, फिर पूरे बरनाला में भगवा यात्रा, जिसमें सर्व समाज को साथ में लेकर ये ब्राह्मण समाज आज पूरे बरनाला में भव्य शोभा यात्रा निकाल रहा है। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, बड़े उत्साह बड़े श्रद्धा के नाल ब्राह्मण सभा बरनाला वालों मनाया जा रहा है। पूरे विश्व की शांति दे लई, भाईचारा बनाने दे लई ब्राह्मण हमेशा अगे होकर काम करते हैं। अज भी यही संदेश लैके असी सारे शहर के जावांगे। अज भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है, असी उस दौरान श्री ब्राह्मण सभा बरनाला वालों अज एक शोभा यात्रा रखी है। पहला मंदिर च कार्यक्रम सीगा, हवन यज्ञ होया सीगा, हुण असी पूरे शहर के अंदर एक भगवान परशुराम जी की यात्रा कढ़न लगे हाँ झाकियों के नाल। पूरा शहर साडा उसके साथ दे रहा, पूरा समाज साडे नाल है। सो असी सारे शहर निवासियों का धन्यवाद करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिख जरनैल सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के 300 वर्षीय जन्म शताब्दी को समर्पित खालसा फतेह मार्च, जो कि 16 अप्रैल को गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब दिल्ली से आरंभ हुआ था, जिसका ऐतिहासिक नगरी नाभा में पहुंचने पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जत्थेबंदियों के अलावा रामगढ़िया भाईचारे के लोगों द्वारा जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों ने पंच प्यारों साहिबान निशांची सिंहों और प्रमुख व्यक्तियों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया। फतेह मार्च की रवानगी हुई तो बड़ी संख्या में पहुंची संगतों ने पुष्प वर्षा कर फतेह मार्च का सत्कार किया। ये फतेह मार्च 4 मई को श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में पहुंचकर संपन्न होगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, उन्होंने 300 सालाना जन्म दिहाड़े ते जी फतेह मार्च कढ़िया जा रहा, दिल्ली तो शुरू होया, पंजाब दे विच हुंदा है जी, ये अखीर दे विच अमृतसर साहिब समाप्ति होनी है। और जस्सा सिंह रामगढ़िया जी बहुत चढ़दी कला वाले सिख सीगे। जदों मुसलमानों के समय के पैसे लुट के, सोना लुट के, इज्जत लुट के इतों लजाइया जा रही थी, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने मूहरे होकर उनका मुकाबला किया और लुट्टी हुई धन दौलत सबनों वापस की, जिन्हें धियां भैं लुट के लियाए से सारियां वापस कीतियां। और दिल्ली का जो लाल किला जिथे झंडा लहराया जाके उन्होंने, और बहुत वड्डी कुरबानी उन्हां दी सिख इतिहास दे विच है। 18वीं सदी के महान जरनैल
सूरबीर योधे बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया का 300 साला जन्म शताब्दी मनाने लई समुचा खालसा पंथ बहुत वड्डा उपराला कर रहा है। उसे जिहड़े वख-वख समागम हो रहे हैं कड़ी के तहत दिल्ली तो खालसा फतेह मार्च आरंभ होया है, जो वख-वख वख-वख समय के पड़ा करता होया श्री अकाल तख्त साहब विखे जाके संपूर्ण होगा, अज नाभा विखे पहुँचे। तुसीं वेख रहे हो जिमें समुचिया नाभे नाभी दी संगत रामगढ़िया भाईचारा राम विश्वकर्मा फैडरेशन सारा इकट्ठे होकर वड्डा उपराला किया है। बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्होंने दिल्ली फतेह की, जो मुगल साम्राज्य के कोई अख चुके वेख नहीं सकता उदों बाबा जी ने दिल्ली फतेह की, और वह दिल्ली का तख्त जिस तख्त तो गुरु साहिबान के खिलाफ फतवे जारी होए सिख पंथ के खिलाफ फतवे जारी होए उस तख्त को लिया के श्री अकाल तख्त साहिब के गुरु रामदास के चरणों में भेंट किया, आज भी उत्थे सुशोभित है। डीएसपी विजिलेंस राजकुमार सामा और भारतीय जीवन बीमा निगम फिरोजपुर के उप शाखा प्रबंधक बिनी छाबड़ा द्वारा सीता रसोई में भाग लेकर जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया और खाने की क्वालिटी का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा भारत विकास परिषद की इकाई द्वारा चल रहे सीता रसोई प्रोजेक्ट की सराहना भी की गई और खुशी व संतोष प्रकट किया गया कि फिरोजपुर छावनी में भी इस प्रकार 20 रुपए प्रति व्यक्ति को भरपेट घर जैसा भोजन मिल रहा है। इस सराहनीय कार्य में सहयोग करवाने के लिए आए हुए गणमान्यों ने विशेष तौर पर परिषद के सभी सदस्य एवं अरुण चारिया का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस अवसर पर परिषद के सरपरस्त प्रोफेसर ललित मोहन गोयल, प्रधान विशाल गुप्ता, सचिव नरेश गोयल, कोषाध्यक्ष विशाल सिंगला, सह सचिव प्रदीप कुमार, सीता रसोई प्रोजेक्ट के इंचार्ज ब्रिज मोहन अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य लालचंद गोयल, हरीश गोयल, राकेश अग्रवाल, विनोद शर्मा, करण त्रिपाठी, प्रवीण कुमार शर्मा, राजकुमार बांसल, रजनीश कालड़ा, प्रवेश कुमार बलभद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज मिति 21 अप्रैल 2023 नूं श्री राजकुमार सामा डीएसपी विजिलेंस अते विनय छाबड़ा जी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर LIC फिरोजपुर वल्लों सीता रसोई का अचनचेत निरीक्षण किया गया, जिस विच उन्हां वल्लों भोजन वंड के लोगों की सेवा की गई अते नाल ही भोजन का निरीक्षण किया गया। उन्हां वल्लों भारत विकास परिषद की चल रही इकाई के उत्ते बहुत ही सराहना की गई, जिस विच उन्होंने खुशी से संतोष प्रकट किया कि हजे भी फिरोजपुर छावनी के इस तरह के प्रोजैक्ट चल रहे हैं जिंदे 20 रुपये के कोई भी व्यक्ति अपने पेट में भर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर सकता है। तो नाल ही उन्होंने समाज के संदेश फैलाया कि सारे साडू सारे मिल के सहयोग करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि कोई भी समाजिक काम किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर एक समाज का होता है, जिस दे भी समाज की भलाई हो उही देश की भलाई दे लई महत्व रखता है। रमजान के महीने में ईद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। इसी के तहत नाभा में मुस्लिम भाईचारे की ओर से ईद का त्यौहार बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुस्लिम भाईचारे की ओर से नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। इस मौके पर मुस्लिम भाईचारे के नेताओं ने कहा कि देश में आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए नमाज अदा की गई है, सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बना कर रखें। उन्होंने कहा कि देश की सलामती के लिए रोजे रखकर सलामती की मांग की गई। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और नाभा की तारीखी ईदगाह की कमेटी की तरफ से मैं तमाम देशवासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का फजलो करम है, आज ईद उल फितर का त्यौहार हमने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया और नाभा की तारीखी ईदगाह के अंदर ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई। नमाज के बाद पूरे देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश के अमन सलामती के लिए दुआ की गई, और ये दुआ की गई कि ये जो हमारा साझा प्यार है, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा ये मुल्क कैसे तरक्की करे, हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा ये देश आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। इसी के साथ साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये ईद का दिन है, आओ हम सब गले गले मिलते हैं। श्री गंगाहार सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट मजीठा रोड अमृतसर की ओर से भगवान परशुराम जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ करवाया गया और अंत में लंगर रूपी प्रसाद लगाया गया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार कुक्कू ने कहा कि भगवान परशुराम जी हम सबको शक्ति दें जिससे हम इस तरह के मानव कल्याण के कार्य करते रहें।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चतुर्थी है जमदग्न भगवान परशुराम जी महाराज की आज जन्म दिहाड़ा है और भगवान परशुराम जी जिहड़े के विष्णु जी के छठे अवतार सीगे उन्होंने भगवान राम नू धनुष दिता और भगवान कृष्ण नू सुदर्शन चक्र दिता जो एडे महान अज जिहड़े स्वयं चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है और अज गंगा और सनातन धर्म मंडल वालों समूह ब्राह्मण संगत ने जिहड़े भी साडे शहर के सारे ब्राह्मण श्रोमणी ने इत्थे अज विराजमान आए होए ने और अज भगवान परशुराम जी के चरणों के नतमस्तक हो के विश्व कल्याण वास्ते समाज के कल्याण वास्ते एक अज हवन यज्ञ भी किया गया। जहां पंजाब के मुस्लिम भाइयों ने ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया वहीं दिड़वा की मस्जिद में हिंदू मुस्लिम सिख सभी भाइयों ने एकत्र होकर ईद उल फित्र का पवित्र त्यौहार मनाया। ईद उल फित्र के पवित्र त्यौहार की शाही इमाम ने समूह पंजाब वासियों को मुबारकबाद दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म की खुशी में मनाई जाने वाली ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम भाईचारे ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। इस दौरान समाज सेवक एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरजीत सिंह धीमान भी विशेष तौर पर पहुंचे। धीमान ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस मौके पर नगर पंचायत कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बिट्टू खान और गौशाला दिड़बा के अध्यक्ष पृथ्वी चंद सहित सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। तो पहला तो मैं सारे भाईचारे आज दे ईद मुबारक ईद के बहुत बहुत मुबारक कहने लिए इतने आया क्योंकि मेरे लिए होर भी बड़ा त्यौहार बन जाता क्योंकि मैं पहला भी जिक्र किया कि जिहड़ी थां है जिहड़ा स्थान है साडा जिवें कहना भी साडा जन्म भूमि भी है कर्म भूमि भी है और नाल नाल असीं छोटे होंदे इत्थे खेड़ के वड्डे होए आ साडे लई होर भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि बहुत सारे सज्जन मित्र वह ने जिहड़े असीं बचपन के समय कट्ठे खेड़ रहे और अज भी परमात्मा ने बड़ा सानूं खुशी बख्शिया कट्ठे हो के ये जिहड़ा त्यौहार मनाउण दा मौका दिता। इसलिए मैं सिर्फ अज भाईचारे नूं इहनूं सारे ईद दे मुबारक कहने वास्ते आया और मैं समझा कि बहुत बड़ा त्यौहार है ये सानू मिल के बैठना भी सिखाउंदा और साडी भाई भाई चार जिहड़ी सांझ है उहनूं मजबूत करदा और एक दूजे नूं गल वखरी पा के सानू मिलण दा मौका मिलदा। ये परमात्मा इस तरह जिहड़ा त्यौहार है सानू खुशियां खेड़े लैके आ भी सानू खुशियां वंडे सानू प्यार दी सगात वंडे यही परमात्मा की साडी अरदास यही बेनती है। मैं सारे हिंदुस्तान दे और देश वासियों नूं ईद दीआं बहुत बहुत मुबारकां दिंदा। साडे विच अज सरदार सरजीत सिंह धीमान साहब वह भी उन्होंने भी ईद अदा की और सिख भाईचारे के लोग तुसी देखदे हो साडा दिड़वे दे विच किन्ना प्यार है एक दूजे नाल असीं किन्ना प्यार करदे हां। अज असीं सारे हिंदू भाईचारे के लोग और सिख भाईचारे के लोग और किसान यूनियन के प्रधान असीं सारे अज एक दूजे नूं जफ्फियां पा के मिले हां। खुशी जिहड़ी है ईद की बहुत वड्डी असीं ने अज खुशी मनाई है ईद त्यौहार दा खुशी मनाई है। अज ईद दा त्यौहार है ब्याह वर्गा दिन है दिवाली तो दिवाली वर्गा दिन हैगा ये सानू भाईचारा दिन हैगा असीं उहदे जम्मे पले हां। साडा जन्मभूमि इत्थे दड़बे दी आ इत्थे जम्मे आ जी सानू इहदा बहुत प्यार आ सानू तां इदां लगदा है वी भाईचारा बहुत वधिया बहुत इहनां नाल मिलवरतना है। पिछले तीन दशक से फगवाड़ा गेट स्थित चने भटूरे का कारोबार करने वाले शहर के मशहूर राजू चीज कॉर्नर के मालिक राजू डाबर की माता निर्मल कुमारी डाबर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया का आयोजन श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया जिसमें पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय निर्मल डाबर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विधायक रमन अरोड़ा विधायक बाबा हेनरी पूर्व सीपीएस केडी भंडारी पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष ललित गुप्ता कोषाध्यक्ष पविंदर पहल पूर्व पार्षद रीटा शर्मा पार्षद पति एवं सीनियर कांग्रेसी नेता सुभाष शर्मा पूर्व पार्षद शहरी चड्डा पूर्व पार्षद राधिका पाठक अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर जॉय मलिक संजय कोछड़ अमित सहगल जतेंद्र सहगल संजीव पुसरी सुरेश गुप्ता अरोड़ा खत्री महासभा के चेयरमैन मुनीश बजाज कुलदीप सिंह ओबराय पालीसरीन राजीव दुग्गल मोहित दुग्गल निशो दुग्गल सोनू मल्होत्रा जोनी जिम्मी महेश श्रीवास्तव मुनीश श्रीवास्तव प्रिंस श्रीवास्तव विनय कुमार श्रीवास्तव करण पाठक गौरव शर्मा अश्विनी शर्मा धूपवाले
पवन मेहता, राजू शर्मा, अरुण वर्मा, अर्जुन मल्होत्रा, महंत अश्विनी शर्मा, धर्मेंद्र प्रभाकर, महेंद्र प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, पवन भल्ला, प्रद्युम्न सिंह, गुरमीत सिंह, राजेश कोहली, मधुकर शर्मा और परिवार के सदस्यों में राजू डाबर, राधिका डाबर, उमेश आहूजा, पूजा आहूजा, राकेश चड्डा, सोनिया चड्डा, अश्वनी अरोड़ा, वंदना अरोड़ा, अंशु डाबर, शिवम डाबर, गौतम वंशु, राघव, उर्वशी, परी, गुनगुन सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय निर्मल कुमारी डाबर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। गर्भ पुराण के 16वें अध्याय में एक शब्द लिखा है, काल पृथ्वी को फूंक सकता है, इतनी ताकत है। चलो ताजा ला लो, हाले 3 ग्राम कोरोना आया, प्यो पुत्र की अर्थी को हाथ नहीं लगाता, पुत्र प्यो की अर्थी को हाथ नहीं लगाता। एक होर मेरी गल याद रखना, 4 साल तू पंचांग लिखे है, 17 विश्वी मौत, 8 विश्वी जन्म, इस साल लिखे है 1 विश्वी जन्म, 9 विश्वी मौत। मैं सोचता से कोई लड़ाई होगी, पर यह नहीं पता महामारी, इस साल भी हारा है, अनहोनी घटना हो सकती है, पंचांग भी झूठे, पंडित झूठे हो सकते, काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु पर्वत को भी खा सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, तो इंसान का कहना नहीं क्या। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में करवाया गया लावण्य फैशन शो, दैनिक सवेरा की डायरेक्टर श्रीमती वाणी विच ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। बरनाला में श्री ब्राह्मण सभा द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।